हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जैसे जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं मेघा सिंह अपने यूट्यूब चैनल मेघा शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज शाम हो गया, मुझे टाइम नहीं मिला दिन भर में, कभी बच्चे आज ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। शाम से स्टार्ट की हूँ ब्लॉग बनाने के लिए और इसलिए मैं एक चीज़ दिखाने के लिए मैं यहाँ आपको लाई हूँ कि आज का वेदर इतना अच्छा है, सुबह से बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भी हो गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि आज का मौसम कैसा किया है। ये देखिए मौसम कितना अच्छा है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी ही ठंडा कर दिया है और इस मौसम में कॉफ़ी और पकौड़े तो बनते ही हैं, सो मैंने वो भी बना के नाश्ता कर लिया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना थोड़ा सा मिस हो गया। तो अगले बार जब भी ऐसा मौसम करेगा कि मैं क्या करती हूँ वो सारे चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो आप देखिए कि मौसम कितना अच्छा है, बारिश हो रही है और गर्मी, ऐसे लगता है कि गर्मी ख़त्म हो गई, ठंड लगने लगती है ऐसे मौसम में और काफ़ी अच्छा भी फील होता है। बहुत दिनों के बाद ऐसी बारिश हुई है, मतलब इस साल में काफ़ी दिनों के बाद, ये रात से ही हो रही है तो मौसम भी काफ़ी अच्छा, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, दिखाती भी रहूँगी और बातें भी करती रहूँगी। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे डिनर बनाने के लिए, मैं आपको दिखाऊँगी आज डिनर में मैंने क्या बनाया है और शेयर भी करती जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं किचन में। यहाँ मैंने 6 टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज के और 6 टमाटर के लिए 3 प्याज भी हैं मीडियम साइज के और 1 लहसुन है। इसे मैं फाइनली चॉप कर लूँगी, रफली चॉप करना है, ज़्यादा आपको वो ये लंबे लंबे टुकड़ों में इसे चॉप करना, मैं वो भी दिखाऊँगी कि कैसे चॉप करना है। फिलहाल तो आप क्वान्टिटी देख लीजिए, इतने ही आपको लेने। मैंने प्याज छील लिया है, अब देखिए इसे लंबे लंबे टुकड़ों में मैं काट रही हूँ, इसे लंबे लंबे टुकड़ों में ही काटना है। आप जैसे रफली कट कर लीजिए, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत तामझाम होता है फाइन चॉप करना है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम रफली आप चॉप करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिए हैं और अब मैं टमाटर को कट करूँगी। टमाटर भी जैसे आप प्याज मोटे मोटे टुकड़ों में काटे हैं उसी तरह आप टमाटर को भी कट कर लीजिए एक साथ ही दोनों, आप देख लीजिए कैसे रखना है आपको। देखिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, देखिए मेरा टमाटर भी डन हो गया है। यहाँ देखिए मेरा तेल लगभग गर्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सरसों तेल का यूज किया है, आप किसी भी तेल में इसे बना सकती हैं। अब इसमें मैं फोरन, यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल दिया है, अब इसमें डालूंगी मैं पचफोरन, देखिए लहसुन डाल दिया और इसके बाद मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज डाल के इसे अच्छी तरह से मैं मिला लूंगी, ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। बिल्कुल ऐसे ही आपको प्याज रखना है, एकदम गोल्डन ब्राउन जब अच्छे से हो जाइए तब इसमें मैं डालूंगी टमाटर, क्योंकि मैंने टमाटर इसमें डाल दिया, इसमें डालेंगे मिला लिया है। फिर यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, एकदम थोड़ा सा 1 पिंच के करीब काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून आप मिर्ची पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल के और यहाँ थोड़ी सी हल्दी, बस हो गया। सारे बेसिक मसाले ही लगते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लगता इसमें। अब इसे अच्छे से मैं मिला दूँगी, अब
अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। यहाँ देखिए ये अच्छे से पक गया है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। इसे 2 से 3 मिनट और ढक के पकाने हैं, उसके बाद ये हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गए हैं। जैसे खसे करके देखिए तो अच्छे से हो गए हैं। अब इसमें लास्ट डलाएगा धनिया का पत्ती, बस और कुछ नहीं इसमें डालना है। डाल के मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। थोड़ा ज़्यादा डालिएगा धनिया का पत्ता, क्योंकि इसी से टेस्ट अच्छे से आएगा आपका। अब इसे मिला के बस आधे मिनट तक इसे और थोड़ा हाई फ्लेम पे इसे भूनूंगी, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। ये चटनी बनकर तैयार है टमाटर और प्याज की। इसे रोटी के साथ, पराठा के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिए। अब देखिए ये एकदम तैयार है। अब इसका गैस मैं बंद कर दूंगी। ये हो गया। अब मैं इसे आपको निकाल के देख, ये देखिए ये बिल्कुल कलर इसका कितना अच्छा आया हुआ है। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए अब मैं भिंडी की भुजिया रखे हुए हैं और ये इसमें डालने के लिए हरी मिर्च भी काट के रखी हुई है। अब मैं इसे बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ मैंने भिंडी की भुजिया के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल भी डाल दिया है। अब इसमें मैं फ़ौरन डालूँगी। यहाँ मैंने पचफोरन का ज़्यादा यूज़ करती हूँ किसी भी चीज़ में। तो आपको जीरा पसंद है तो जीरा डालिए। यहाँ मैंने हरी मिर्ची 3 से 4 हरी मिर्ची को बीच से स्लाइस कर लीजिए और इसे इसमें डाल दीजिए। काफ़ी अच्छा लगता है इसमें। कुछ अलग तरीके से मैं बना रही हूँ। आप भी एक बार पचफोरन डाल के भिंडी बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। जब ये थोड़ा सा पक जाए हरी मिर्ची, तब इसमें मैं डालूँगी भिंडी। और इसका एक सीक्रेट बताऊंगी आपको, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ देखिए मैं सिर्फ हल्दी डालूंगी इसमें, बस ये मैंने हल्दी डाल दिया है। और अब इसे मैं अच्छे से मिला दूंगी। और इसे ढकना बिल्कुल भी नहीं है, इसे मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए और बार बार इसे चलाइए भी नहीं, क्योंकि ये टूट सकती है। इसे हल्के हाथों से चलाएंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए भिंडी हो गई है। अब इसमें मैं नमक डालूंगी। यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। देखिए थोड़ी सी भी चिपचिपी नहीं हुई है। और अब ये हो गई है, तो इसमें लास्ट में मैं इसे उतार दूंगी। इसलिए यहाँ पे मैंने 1 पैकेट मैगी मसाला डालूंगी। ये मैजिक मैगी मसाला है, यही आपको डालना है। जब आपकी भिंडी पूरी अच्छी तरीके से भुना जाए तब आप इसे लास्ट में डालिए। डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए, उसके बाद गैस को ऑफ कर दूंगी। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी पराठा के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मेरा खाना बनकर तैयार है। तो अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि मेरी पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।